हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ विस्पर ब्रांड का ये बिंदास नाइट पैड। तो फ्रेंड्स, इसका प्राइस जो है वो 297 रुपीज है। एक पैड जो है वो आपको 30 रुपीज का मिल जाता है। ये पैड जो है वो 10 पीस के पैक में आता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये पूरी रात में जो है ना वो 0% लीकेज करता है, यानी 8 से 9 घंटे तक जो है ना ये पैड बिल्कुल भी लीकेज नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है ना वो विस्पर का ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन वाला जो डायपर है ना, पीरियड पैंटीज, वो भी मेंशन किया गया है। तो अमेजोन पे जो है इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था, बहुत ज्यादा लोग इसे परचेज कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मुझे भी डेफिनेटली आप लोगों के साथ में इसका रिव्यू शेयर करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए कि ये पैड कैसा है। ये जो है वो ट्रिपल एक्सल पैड है, तो आप जो है वो इसको एज अ मैटरनिटी पैड भी यूज कर सकते हो। बट इसके ऊपर यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये एज अ मैटरनिटी पैड आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा जो है ना वो लिक्विड को नहीं अब्सॉर्ब कर पाता होगा, इसीलिए शायद ब्रांड ने जो है वो मेंशन नहीं किया है। बट मैटरनिटी पैड जो है ना वो ट्रिपल एक्सल पैड ही जो है वो मैटरनिटी पैड एज अ मैटरनिटी पैड जो है ना वो आप ट्रिपल एक्सल पैड्स को यूज कर सकते हो। ये पैड जो है ना वो ओपन है, बिकॉज मैंने इसे यूज किया हुआ है ताकि मैं आप लोगों के साथ में अच्छे से इसका रिव्यू शेयर कर पाऊँ, आप लोगों को जो है वो ऑनेस्ट चीजें बता पाऊँ। तो गाइज, मैं इस चैनल पे जो है ना वो बिल्कुल ऑनेस्ट चीजें ही आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में जो है ना वो सस्ते में अच्छा आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, आपको क्या परचेज करना चाहिए और क्या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2022 रुपीज में 2022 रुपीज का जो है ना वो आपको पीरियड पैंटीज भी आराम से मिल जाती है। तो और उसकी क्वालिटी भी जो है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। जितनी जल्दी वो मार्केट में आया है ना, जितना लेट से वो मार्केट में आया है, उतनी ही जल्दी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मैटरनिटी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं पीरियड पैंटीज को। बट बहुत सारे लोग जो है वो पैड भी यूज करते हैं, तो मैंने सोचा कि जरूर इसका रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए कि ये कितना लिक्विड को जो है वो अब्सॉर्ब करता है। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा जो है वो 8 से 9 घंटे में 20-25 एमएल लिक्विड पास होता है। मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज करती हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा हो जाता है कि एक दिन में जो है ना वो कितना लिक्विड पास होता है। बट कितने लोगों को हैवी फ्लो होता है, मेरा जो है वो नॉर्मल है। बहुत सारे लोगों को बहुत हैवी फ्लो होता है, तो उनका जो है वो 25-30 एमएल लिक्विड भी आराम से पास होता है। तो मैं जो है वो इस पे 20-20 एमएल लिक्विड करके डालने वाली हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि ये 40 एमएल तक लिक्विड को जो है ना वो आराम से जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा। तो मैं 40 एमएल लिक्विड डालूंगी, और अगर ये 40 एमएल लिक्विड भी जो है ना वो अब्सॉर्ब करने के बाद ड्राई रहेगा तो हम मैक्सिमम लिक्विड भी डालने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको बार बार पैड चेंज करने का मौका नहीं मिलता है, तो उस केस में जो है वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के रखना पड़ता है पैड को। तो उस केस में जो है वो ये पैड चलेगा या नहीं वो भी टेस्ट करेंगे, और इसके अंदर जो है ना वो क्या दिया हुआ है और किस तरीके से ये काम करता है वो भी जो है वो लास्ट में इसको कट करके चेक करेंगे। मैंने जो है वो पहले चेक किया है, तो मुझे पता है कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, बट आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता है इसलिए। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पहले 20 एमएल लिक्विड, यहाँ पे जो है ना वो 40 एमएल लिक्विड होता है, तो मैंने नीचे ही रखा हुआ है। हाथ थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाता है इसलिए, बाकी मैंने कम ही रखा हुआ है 40 एमएल से। तो इसको जो है वो अब हम इसके ऊपर डालते हैं। ये देखिए इतना सा ही लिक्विड है, लिक्विड को जो है ये इसने बहुत ज्यादा फास्ट अब्सॉर्ब किया है। इसका जो मटेरियल है ना वो काफी वैसा है नेट का कि ये लिक्विड को डालते के साथ में ही अंदर फटाफट से अब्सॉर्ब कर लेता है। एक जो प्लेन मटेरियल होता है ना उसमें थोड़ा टाइम लगता है लिक्विड को अब्सॉर्ब करने में। इसके अंदर काफी अच्छे खासे गैप्स होल्स दिए हुए हैं ताकि ये लिक्विड को फटाफट से अंदर अब्सॉर्ब कर ले। तो इसको जो है वो 2 मिनट का टाइम देते हैं अच्छे से जो है वो लिक्विड को अब्सॉर्ब करने का। उसके बाद जो है वो टिश्यू लगा के चेक करेंगे कि ये डायपर जो है वो ड्राई है या गीला हो चुका है। सॉरी, डायपर नहीं, पैड। एक्चुअली पैड और डायपर की वीडियोस करते करते ना बहुत मिक्स हो जाता है। तो चलिए अब जो है वो इसको चेक कर लेते हैं। ये मैंने ड्राई टिश्यू ले लिया है। गाइज, हम बहुत अच्छा खासा पैसा जो है ना वो पे कर रहे हैं। 30 रुपीज एक पैड के लिए काफी अच्छा खासा प्राइस है, और ये है इसकी कंडीशन। सिर्फ 20 एमएल लिक्विड मैंने इसके ऊपर डाला है। 20 एमएल लिक्विड आप सोच सकते हो बहुत ज्यादा नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज करते होगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 20 एमएल लिक्विड जो है ना वो
छह से आठ घंटे में आराम से आपका पास होता है। तो सिर्फ एक ही बार के पानी डालने से, मतलब सिर्फ 20 ml लिक्विड से ही इस पैड का तो कल्याण हो चुका है। अब मैं क्या आगे लिक्विड डालूं और क्या चेक करूं, थोड़ा बहुत भी अगर कहीं कहीं लिक्विड लगा रहता और थोड़ी सी गुंजाइश रहती इसके ऊपर पानी डालने की तो मैं डेफिनेटली डालती, बट एक ही बार में ये पूरा ही गीला हो चुका है तो मैं क्या ही इसके ऊपर अब दोबारा से पानी डालूं, ये पूरा बह जाएगा अगर मैंने दोबारा डाल दिया तो। विस्पर को थोड़ा सोचना चाहिए कि इतना पैसा लेते हैं तो थोड़ा तो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट दिखाए, कुछ तो अच्छा दे पब्लिक को। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको जो है ना वो पीरियड पैंटीज को ट्राई करना चाहिए, वो काफी अमेजिंग होते हैं। एवर ईव का पीरियड पैंटी सिर्फ और सिर्फ आपको 20 से 22 रुपए में एक पीस पड़ता है और काफी अमेजिंग होता है। तो गाइस मैंने अपने चैनल पे जो है ना वो पीरियड पैंटी का फुल डिटेल रिव्यू भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है और कंपेयर वीडियो भी शेयर किया हुआ है, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि सस्ते में अच्छा पीरियड पैंटी आप लोगों के लिए कौन सा रहेगा। पीरियड पैंटीज जो है वो 20 रुपए से लेके 60 रुपए तक जाते हैं, तो आप अपने प्राइस के आप अपने हिसाब से जो है ना वो किसी भी प्राइस का मंगा सकते हो। सबकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, बस प्राइस में जो है वो डिफरेंस रहता है। तो गाइज अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जो है वो सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था, और सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो है ना वो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, 1 week to 10 days तक ब्लीडिंग होती है और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, कम ही रहती है। फिर भी जो है वो मैंने पीरियड पैंटीज यूज किया था स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और मेरा 2 packets पीरियड पैंटी लगा था, यानी 20 पीरियड पैंटी के हिसाब से मेरा काम चल गया था आराम से। तो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। आप उस टाइम पे जो है वो मेंस्ट्रुअल कप वगैरह यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज मुझे काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे उस वाले वीडियो में कि मैम हमारा अभी भी डिलीवरी हुआ है, क्या हम मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं। तो आप जो है ना वो जस्ट डिलीवरी के बाद जो है वो मेंस्ट्रुअल कप यूज नहीं कर सकते हो, चाहे आपका सी सेक्शन हुआ हो चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो, दोनों ही केस में आपको पैड या फिर पीरियड पैंटी ही यूज करना पड़ेगा। आप जो है वो टैम्पॉन्स भी यूज नहीं कर सकते हो, डॉक्टर ही आपको मना कर देंगे। तो गाइस 30 rupees में जो है ना ये पैड मुझे वर्थ इट नहीं लगता, इससे सस्ते में अच्छे पैड आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं उन पैड्स को ढूंढ के आप लोगों के लिए लेकर आऊं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि सस्ते में जो है ना वो अच्छा पैड आप लोगों के लिए रिव्यू करूं और आप लोगों को बताऊं कि सस्ते में अच्छा पैड आपके लिए कौन सा रहेगा। तो चलिए अब इसको कट करके जो है ना वो चेक कर लेते हैं। सिर्फ पैड लंबा होने से कुछ नहीं होता है, पैड का जो ना लिक्विड का जो अब्सॉर्प्शन है ना वो भी अच्छा होना चाहिए। और इस पैड के अंदर जो है ना वो SAP का यूज नहीं किया गया है, इसीलिए ये बहुत जल्दी से जो है ना वो गीला हो जाता है। जिस पैड के अंदर जो है ना वो क्रिस्टल्स दिए रहते हैं ना, SAP का क्रिस्टल दिया रहता है और वो लिक्विड को अब्सॉर्ब करके क्रिस्टल फॉर्म में क्रिएट कर देता है, वो जो है वो गीला नहीं होता है, मतलब ऐसे लिक्विड बाहर नहीं निकालेगा। ये देखिए इस कॉटन को अगर मैं दबा रही हूँ, कॉटन क्या होता है, कॉटन को आप दबाओगे तो लिक्विड बाहर आ जाएगा, कॉटन दोबारा से ऐसे बेचारा सूख जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये पैड की क्वालिटी जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना ही नॉर्मल डेज में यूज करने के लिए और ना ही एज अ मैटरनिटी पैड यूज करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप इसे एक बार ट्राई करना चाहते हो या फिर अगर आपको कॉटन पैड्स यूज करना पसंद है तो डेफिनेटली जो है वो आप इसको ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय बाय।